नमस्कार किसान भाइयों, मैं केएन मौर्या और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज हम बात करेंगे मूली की खेती की। मूली की खेती कैसे किसानों की जिंदगी को बदल रही है और कैसे थोड़ा सा आगे और समय से किसान यदि इसकी खेती करता है तो किस प्रकार फायदेमंद साबित हो रहा है किसानों के लिए, ये आज हम बात करेंगे आपसे। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आगे आपको वीडियो मिलती रहे। आज हमारे साथ है हमारा युवा किसान। जो आज का युवा जो है ऑर्गेनिक के तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है और ये एक ऐसे युवा से आज आपको मिलवा रहा हूँ जो इस मूली में किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। आइए हम जानते हैं कि कैसे ये खेती कर रहे हैं, केमिकल फ्री, पूरी तरह जैविक। नमस्कार। थोड़ा तेज बोलना बाबू। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम मनीष चौहान है। मनीष चौहान। मनीष चौहान जी, गांव कौन सा है आपका? चांदनेर। चांदनेर। और ये गढ़मुक्तेश्वर के पास है ना जी। जिला क्या है? हापुड़। हापुड़। मनीष बाबू, ये खेती आपने कब बोई थी? सर 10 सितंबर को। 10 सितंबर को बोई थी। बोने से पहले क्या क्या किया है थोड़ा हमारे किसानों को बताएंगे? सर ट्रैक्टर से जुताई करवाई थी। ट्रैक्टर से जुताई कितनी कराई? सर दो जुताई करी, रोटावेटर डाल के ना। रोटावेटर डाल के दो जुताई कर दी। फिर जमीन में कुछ डाला आपने? नो सर। इससे पहले क्या, इससे पहले क्या बोया था? इससे सर घिया बोए थे। घिया जी। घिया के बाद ये काट के बोया है जी। ठीक है। अब रासायनिक फर्टिलाइजर में आपने कुछ नहीं डाला जी? नहीं। ठीक है। ग्रीन प्लांट बायो प्रोडक्ट की क्या क्या दवाएं यूज किया आपने इसमें? सर एक तो इसमें प्रीमियम डलवाया था 1 लीटर, एक बुआई के समय ही जी। गोबरी खाद में बुआई के समय ही एक प्रीमियम पड़ गया। प्रीमियम एक बैक्टीरियल खाद है जो आपकी मिट्टी की कंडीशन को सही करता है। मैंड करवा के अच्छा मूली चुबवा दी, मोड़ पेड़ करवा दिया और फिर मूली चुबवा दी, मूली मजदूरों से लगवा दिया जी। मूली जब से बोए हैं, 10 सितंबर को आपने बोया है और आज हम 16 अक्टूबर को इनके खेत में खड़े हैं। क्यों सुधीर भैया? यही है ना। आज हमें हो गए, यदि दिन की बात करें तो 36 दिन, 36वां दिन है। तो उसके बाद प्रीमियम डाल दिया, फिर जब मूली ग्रो हो गई तो क्या क्या डाला है इसमें? सर जब पानी दिया था इसको, हाँ, एक नाइट्रोजन, हाँ, और एक ब्लूम। अच्छा। पानी के संग छुटवा दिया था। जब मूली की जड़ बैठने लगी जी, तो एक ब्लूम और एक नाइट्रोजन पानी के साथ छुड़वा दिया। फिर उसके बाद पीपीएफसी ब्लूम नाइट्रोजन की एक स्प्रे लगवा दी। ब्लूम नाइट्रोजन और पीपीएफसी ब्लूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इन प्रेगनेंसी, जब हमारा प्लांट प्रेगनेंसी की अवस्था में जाता है तब हम उसे डालते हैं और उसके डालने का फायदा मैं आपको दिखाऊंगा। तो ब्लूम नाइट्रोजन का कितना स्प्रे हुआ है इसमें? सर 3 स्प्रे हुई है पीपीएफसी लग के। 3 स्प्रे ब्लूम नाइट्रोजन पीपीएफसी लगा के, फंगिसाइड लगा करके 3 स्प्रे किए। उसका फायदा क्या मिल रहा है आपको? सर बहुत अच्छा। आप पूरा खेत को देखें, आप थोड़ा सा दिखाइएगा हमारे किसान भाइयों को, एक भी पत्ता आपको पीला नहीं दिखेगा। जैसे आप यही देखें, जितनी भी मूलियां हैं आपको फ्रेश दिखेंगी मूली, कोई रोग नहीं है, कोई भी रोग नहीं है इस मूली में। ठीक है। अब ये मूलियां बेच रहे हैं आप जी, अभी इस समय रेट क्या मिल रहा है आपको? सर 15 रुपया किलो। 15 रुपया किलो। थोड़ा सा हम मूली को उखाड़े कुछ जी। एक मूली को मैं उखाड़ रहा हूँ, ये देखिए। हाँ उखाड़ी, ये देखिए, ये है मूली। ठीक है सुधीर भैया, और उखाड़िए एक दो मूली, इसे खींचिए, ये बस ज्यादा नहीं। ये देखिए, ये मूलियों का साइज हुआ है, उखाड़िए इसको भी, जो हो गई है तैयार मूली है। ये देखिए, ये मूलियों की शेप और साइज हुई है। ठीक है, ये मूली हुई है, पकड़िए इसको। ठीक है, ये मूली हुई है। अब ये जा कितनी रही है बता रहे हैं आप? सर 15 रुपये किलो। 15 रुपये किलो। ये कितने दिन की है मूली? 36 दिन। 36 दिन की मूली है, 15 रुपये किलो जा रही है। और ये कितने एकड़ में है आपका? सर 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ से ज्यादा है थोड़ा, क्योंकि आपने 8 बीघा बताया ना, तो 1.5 एकड़ से ज्यादा है। आपको क्या लग रहा है कि लगभग कितने की मूली आपकी हो जाएगी इसमें? सर इसमें 3 लाख के लमसम हो जाएंगे। यदि ये रेट आप, चूंकि ये दिल्ली से नजदीक है, हापुड़ है, दिल्ली से नजदीक है, तो ये लोग एक जितनी मूलियां तैयार हो रही हैं, यदि यह रेट रहा तो इनकी मूली 3 लाख रुपए से ज्यादा की हो जाएगी। 3 लाख छोड़ दीजिए, यदि मैं बात करूँ 1.5 की 2 की 1.5 की ही बात करूँ तो आपका लागत कितना आया है, खर्च कितना आया है? सर 11,000 का टोटल जी, बिल्कुल। मजदूर का, ट्रैक्टर का, पानी का, दवाओं का, बीज का, सारा मिला के 11,000 रुपए इन्होंने खर्च किया है। और आज संभावनाएं जो बन रही हैं वो ये बन रही हैं कि लगभग ये रेट रहा, यदि इससे गिरा नहीं, इससे बढ़ गया तो अलग बात है, यदि गिरा नहीं तो इस रेट पे भी यह 3 लाख रुपए निकाल लेंगे। आज पूरे भारतवर्ष के युवा किसान आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए आप?
सर हम कहेंगे कि फर्टिलाइजर को छोड़ के ऑर्गेनिक पाएं, अपनी धरती माताओं को बचाएं। अच्छा, सबसे अच्छी बात इस खेत की ये है कि इसमें इन्होंने किसी भी प्रकार का जहर नहीं डाला है, और जहर नहीं डाला है, 100% जैविक है। अपना मोबाइल नंबर बताइए लोगों को। 6397-2790-81 6397-2790-81 आपसे बात हो जाएगी। आप इन्हें मैं तो इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूँ कि ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप भी इनसे सीखें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।